आज आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे डे वन 2022 की बैडी गॉड्स प्रेडिक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। नया जमाना है, नया ठिकाना है, चल पड़े ऐसी राह पर। अब दूर ठिकाना है, जाना है उस मंजिल पर जहां नया साल मनाना है। आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो रहेगी धांसू और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करने वाले हैं डे वन 2022 के बैटिंग ऑर्ड्स की। तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम एक ऐसे सवाल की जो कि डब्ल्यू वालों ने पूछा है। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों पूछा है साल 2022 किस सुपरस्टार का ईयर रहेगा, तो कौन सा आपका फेवरेट सुपरस्टार और क्या लगता है आपको किस सुपरस्टार का रहेगा ये साल, बताएगा जरूर। बात कर लेते हैं डे वन 2022 की। तो गाइस डे वन पीपीवी हम लोगों को कल देखने को मिलने जा रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू का ये पीपीवी दोस्तों काफी खास रहेगा क्योंकि गाइस ये पहली बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसकी टाइमिंग की बात की जाए सुबह 5:30 बजे से आप लोगों को देखने को मिलेगा कल यानी कि संडे को। जहां गाइस बात की जाए इसके मैचेस की, कुल मिलाकर 8 मैचेस कंफर्म हुआ है डे वन के लिए। जहां किक ऑफ की बात की जाए, किक ऑफ में जो मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले वो होने जा रहा है दोस्तों शेमस एंड उनके मित्र रिच का, जो कि फेस करेंगे सिजारो एंड रिकोशे की जोड़ी को। तो गाइस हाल फिलहाल में कंफर्म हुआ, इसे दोस्तों टेलीविजन के ऊपर डब्ल्यू वालों ने कंफर्म होते हुए नहीं दिखाया था, ये उसके बाद कंफर्म हुआ है। जहां गाइस बात करूं राइवलरी की, राइवलरी इतनी खास तो नहीं है लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सिजारो एंड शेमस का अच्छे से नहीं चल रहा है स्मैकडाउन में, तो ऐसे में दोस्तों ये मैच रखा गया है। जहां गाइस बात की जाए टैग टीम मैच के बैटिंग ऑर्ड्स की, तो बैटिंग ऑर्ड्स दोस्तों इसके सामने नहीं आए क्योंकि दोस्तों ये काफी जल्दबाजी में कंफर्म हुआ है। तो ऐसे में बात की जाए कौन इस मैच को जीतेगा, यहां मैं प्रेडिक्ट करूंगा इसके अंदर शेमस एंड रिज हॉलैंड विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये इसीलिए ही रखा गया है ताकि दोस्तों इस टैग टीम को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले। चलते हैं दोस्तों अपने मेन कार्ड्स के मैचेस के ऊपर। तो गाइस सबसे पहला मैच जो कि मेन कार्ड्स में हम लोगों को देखने को मिलने जा रहा है वो होने जा रहा है हमारे मॉस का, जो कि फेस करेंगे ड्रू मैकइंटायर को। तो गाइस मॉस को हमारा कहकर वैसे पुकारना नहीं चाहिए क्योंकि दोस्तों वो काफी बोरिंग सुपरस्टार है। वहीं बात की जाए ड्रू मैकइंटायर की, ड्रू मैकइंटायर धीरे धीरे ऑडियंस में ओवर हो रहे हैं। और गाइस बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की, मैच दोस्तों ना जाने डब्ल्यू वालों ने क्यों रखा है, इसके पीछे शायद ये रीजन रह सकता है कि ड्रू मैकइंटायर को डब्ल्यू वालों को और भी ज्यादा स्ट्रांग दिखाना है, यहाँ एक स्ट्रांग बंदे के खिलाफ उन्हें रखा गया है। बात की जाए इस मैच के ऑर्ड्स की, तो गाइस ड्रू मैकइंटायर चले हुए -300 के ऊपर। वहीं गाइस बात करूं मॉस की, तो मॉस चले +500 के ऊपर, जिससे साफ होता है इसके अंदर कोई और नहीं ड्रू मैकइंटायर ही विजय प्राप्त करेंगे। तो इसमें दोस्तों ड्रू मैकइंटायर जीतेंगे। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो सेकंड मैच हम लोगों को मेन कार्ड्स में देखने को मिलेगा उसका इंतजार आपको भी है और मुझे भी, और ये होने जा रहा है आर के ब्रो वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का। तो गाइस एक ऐसा मैच जिसका इंतजार सभी को है क्योंकि दोनों ही टीम्स फेस है, तो ऐसे में दोस्तों चूज करने में काफी ज्यादा मुश्किल रहेगी कौन इस पर्टिकुलर मैच में विजय प्राप्त करेगा। तो ऐसे में ऑड्स का सहारा लेना पड़ेगा और दोस्तों चले हुए हैं आर के ब्रो पक्ष में जो कि चले हुए -125 के साथ। वहीं गाइस बात करो स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों की, तो वो चले हैं +130 के ऊपर। दैट मीन्स इसके अंदर कोई और नहीं हमारे आर के ब्रो वाले विजय प्राप्त करेंगे और यहाँ टाइटल डिफेंड हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों इससे नेक्स्ट मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो मैच दोस्तों हमने पास्ट में कई बार ही देखा है और फिर से देखने को मिलने जा रहा है, लेकिन स्टिल हम इसका इंतजार कर रहे हैं और ये होने जा रहा है द न्यू डे वर्सेस उसोस के मध्य। तो इनकी राइवलरी की बात करूं, राइवलरी बस इतनी सी है कि जब रोमन रेंस के साथ उसोस जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जब दोस्तों ये डोमिनेट कर रहे थे तीनों मिलके, तो इन्होंने द न्यू डे वालों को खूब पीटा। तो ऐसे में दोस्तों ये राइवलरी यहां तक पहुंच गई है। जहां बात करूं दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के ऑड्स की, ऑड्स चले हुए हैं दोस्तों उसोस के पक्ष में जो कि चले हुए हैं -250 ऊपर। वहीं गाइस बात करूं द न्यू डे वालों की, वो चले हैं +170 पर। दैट मींस इसके अंदर कोई और नहीं हमारे उसोस जो है वही विजय प्राप्त करेंगे और यहां स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स दो है वो दोस्तों डिफेंड हो जाएंगे। चलते इससे अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों ने देखना है उसका इंतजार मुझे पर्टिकुलरली काफी देरी से है या फिर कह लीजिए काफी बेसब्री से है और ये होने जा रहा है दोस्तों ले मॉर्गन वर्सेस बेकी लिंच फॉर रॉ वुमन चैंपियनशिप। तो गाइस ले मॉर्गन के लिए एक बड़ा मैच और बेकी लिंच के लिए दोस्तों एक सामान्य सा मैच यहां रख दिया गया है। ले मॉर्गन इससे पहले दोस्तों बेकी लिंच को फेस की थी, लेकिन वहां आप सब लोगों को याद होगा बेकी लिंच ने चीटिंग की। ले मॉर्गन का जीवन कुछ ऐसा है कि बहुत सारे भाई बहनों में वो पली बड़ी और उसके बाद अपने पैरों पर
खड़ी हुई। उनका हमेशा सपना था कि वो चैंपियन बने। तो ऐसे में दोस्तों इसमें जो इमोशनल पंडा बेहद ज्यादा है लिम मॉर्गन के लिए, काफी बड़ा मैच है। ऑड्स की बात करते हैं, ऑड्स दोस्तों चले हुए हैं बैकी लिंच के पक्ष पे, जो कि चली हुई है -400 से ऊपर। वहीं गाइस बात की जाए लिम मॉर्गन की तो वो चली है +235 के ऊपर। अगर दोस्तों ऑड्स साबित होते हैं तो मैं आपको एक चीज तो बताना चाहूंगा, इस मैच का अंत क्लीन तरीके से WWE नहीं दिखाएगी। कहीं ना कहीं इसके अंदर ये चीज हो सकती है कि जीत तो जाए लिम मॉर्गन, लेकिन वो VR डिस्क्वालिफिकेशन हो। यहाँ दोस्तों अगर टाइटल चेंज नहीं होता है तो यहाँ दोस्तों हमें एंगल देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी दोस्तों मुझे होप है कि लिम मॉर्गन यहाँ जीत जाएगी। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच होना है वो कोई आम मैच नहीं है दोस्तों, वो है हमारे WWE लेजेंड एज का। तो एज दोस्तों फेस करने जा रहे हमारे फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर यानी कि द मिस को। तो गाइस इनकी राइवलरी की बात कर लेते हैं, इनकी राइवलरी काफी इंटरेस्टिंग है। अभी से कुछ समय पहले दोस्तों एज अपना रिटर्न करते हैं, जो कि दोस्तों एक एडवर्टाइज रिटर्न था, सबको पता था कि एज वहां आएंगे। लेकिन उसी मंडे नाइट रॉ में हमें देखने को मिलते हैं द मिज, जो कि रिंग में आकर एज को काफी भला बुरा कहते हैं। वो ये चीज कहते हैं कि एज ने हमेशा से उन्हें दबाने की कोशिश की। जब वो नए नए WWE के अंदर आए थे एज ने काफी ज्यादा षड्यंत्र रचे, लेकिन द मिज जो है वो आज भी एक बड़ा नाम है जिस पर दोस्तों एज ने हामी भी भरी और ये चीज भी बताई कि वो हमेशा से एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि दूसरों की बेइज्जती करते हैं ताकि वो खुद लाइमलाइट में आ सके। तो कहीं ना कहीं दोनों की बातें सत्य और मैच यहां रखा गया है। जहां ऑड्स की बात की जाए, ऑड्स चले हुए हैं दोस्तों रेटेड सुपरस्टार के पक्ष में, जो कि चले हुए हैं -400 के ऊपर। वहीं मिस की बात करूं तो मिस चले हुए हैं +250 के ऊपर। दैट मींस इसके अंदर कोई और नहीं, एज ही विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि दोस्तों इस मैच के अंदर एक चीज ये भी बताई जा रही है कि मरीज की बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो देखते हैं क्या होता है। चलते अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। गाइस सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला है डे वन PPV का, वो रहेगा बिग ई वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस बॉबी लैशली, अ ट्रिपल थ्रेट मैच। तो सेथ रॉलिंस भी इसका पार्ट होने वाले थे, लेकिन सेथ रॉलिंस को दोस्तों कोरोना वायरस हो चुका है, COVID-19 हो चुका है। ऐसे में दोस्तों वो यहां नहीं दिखाई देंगे। एन वक्त पर WWE आपको अपडेट देगी कि सेथ रॉलिंस यहां नहीं आने वाले हैं। जैसे रिपोर्ट्स है सेथ शायद से ही इस PPV का पार्ट हो। ऐसे में दोस्तों ट्रिपल थ्रेट रख दिया जाएगा। जहां गाइस बात करूं इस पर्टिकुलर मैच के रिजल्ट की, तो गाइस इसके ऑड्स जो हमारे सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जहां गाइस एक बड़ा उलट फेर हुआ है, बिगी चले हुए नंबर 1 के ऊपर, जो कि चले -150 के ऊपर। नंबर 2 पर दोस्तों चले हुए थे लैशली, लेकिन अब चले केविन ओवेंस, जो कि चले +400 के साथ। वहीं गाइस लैशली की बात करूं, लैशली चले हुए हैं नंबर 3 पर +510। दैट मींस इसके अंदर कोई और नहीं, हमारे बिगी लैंगस्टन ही विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि सेकंड मोस्ट चांसेस जिसके रहेंगे जीतने के वो केविन ओवेंस है। हालांकि बिगी यहां टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। हम चलते हैं अपने मेन मैच के ऊपर, जो कि होने जा रहा है डे वन PPV का मेन मैच। इसका इंतजार दोस्तों हर कोई कर रहा है, क्या ब्रॉक लेसनर ले पाएंगे बदला, क्या रोमन रेंस फिर से धूल चटा देंगे लेसनर को। कई ऐसे सवाल जो कि हमारे सामने है। द मैश ऑफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अवर यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस द चैलेंजर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर अ सिंगल्स मैच। तो गाइस इस मैच की बात करूं, एक ऐसा मैच है जो कि दोस्तों जब भी हम देखते हैं हम काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ हमें देखने को मिलती है लेसनर की वो स्ट्रेंथ और दूसरी तरफ देखने को मिलती है रोमन रेंस की मार खाने की क्षमता, और साथ ही साथ एक ऐसी राइवलरी जो कि हम न जाने कितने सालों से देखते आ रहे हैं। जब पहले हम इनके मैचेस देखते थे तो एक डिफरेंट चीज ये रहती थी कि रोमन रेंस जो होते थे वो हीरो होते थे, ब्रॉक लेसनर जो होते थे वो विलन होते थे। लेकिन अब इतने सालों के बाद सिचुएशन बिल्कुल पलट गई है, ब्रॉक लेसनर हीरो है और रोमन रेंस अपने असली वाले विलन है। हां दोस्तों सिचुएशन बदली तो है, लेकिन सिनारियो कुछ वही है, बंदे भी सेम है, लेकिन इसके अंदर जीतेगा कौन, चलिए इस पर बात कर लेते। बैटिंग और जो हमारे सामने आए हैं दोस्तों उसमें जो हमारे रोमन रेंस है वो लीड कर रहे हैं। रोमन रेंस चले हुए हैं -300 के साथ। वहीं गाइस बात करूं ब्रॉक लेसनर की, ब्रॉक लेसनर चले हुए हैं +185 के ऊपर। काफी बड़ा अंतर है। दैट मींस इसके अंदर साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके रोमन रेंस जैसे तैसे टाइटल जो है वो घर ले जाएंगे और इसके अंदर रोमन रेंस ही जीतने वाले हैं। वहीं गाइस बात की जाए इस मैच से जुड़ी अनहोनी की, तो उसे मैं कई बार डिस्कस किया हूं। पॉल हैमन जिन्हें चाणक्य कहा जाता है रेसलिंग की दुनिया का,
वो दोस्तों अब रोमन रेंस के साथ नहीं है, रोमन रेंस ने उन्हें उनकी सर्विसेज से बर्खास्त तो किया ही किया, उन्हें सुपरमैन पंच भी धरा जिसका बदला दोस्तों हेमंत ने लेना ही लेना है। हमेशा से देखा गया है कि हेमंत जो है वो काफी बड़ी चाले चलते आए हैं, ऐसे में क्या ब्रॉक लेसनर के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान किए हैं ये तो हमें दोस्तों इसी पीपीवी के अंदर पता चलेगा। लेकिन बात की जाए ऑड्स की तो ऑड्स रोमन रेंस के ही पक्ष में चले हुए हैं, लेकिन यहां दोस्तों जनता मालिक है यानी कि दोस्तों इस चैनल पर। तो आपसे सवाल पूछूंगा, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर मैच के अंदर कौन जीतेगा, कौन ले जाएगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने कंधे पर उठाकर? कमेंट डाउन बिलो वीडियो आज की इतनी सी पसंद आया, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ खैर।